नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। साल प्रकाश पर्व पूरे विश्व में बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और अलग अलग कमेटियां अपने अपने तरीके से गुरु नानक साहब जी को समर्पित कोई ना कोई प्रोग्राम उलीक रही है। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है और वेस्ट बंगाल में हम लोग पिछले 15-20 सालों से बच्चों 15-20 सालों से कार्य कर रहे हैं और हम लोग का ये मकसद रहता है कि गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, जो विचारधारा है, वो सारी खलकत, सारी खुदाई, सारी दुनिया तक पहुँचे। इसके तहत हम लोग इस बार एक फेथ एंड फ्यूचर समिट 11 अगस्त को रविंद्र भवन में करवाने जा रहे हैं, जो कि एक सर्वधर्म सम्मेलन है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का जो उपदेश था वो सारी खुदाई के लिए था, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए बराबर था। गुरु नानक साहब जी विदेश में जाकर, जहाँ चाइना में लोगों को उपदेश देते हैं, वहाँ पर पोप के साथ में भी बैठकर गुरु नानक देव जी रोम में विचार करते हैं, वहाँ पर मक्का में भी जाकर लोगों को समझाते हैं कि अल्लाह ताला हर एक जगह बसता है। और आज जो भारत में या दुनिया में पोजीशन आन खड़ी हुई है, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरों के साथ लड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस समय में गुरु नानक देव जी की विचारधारा बहुत आवश्यक महसूस होती है, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, वो कहते हैं एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। तो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल द्वारा 11 तारीख को रविंद्र भवन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स अपना वक्तव्य देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हैं डॉक्टर सुप्रीत सिंह उदोके जो कि सिख स्कॉलर हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सुमन जो कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जुलेखा जबीन जो कि दिल्ली से सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, और परमपाल सिंह फतेह चैनल के सीईओ, मनप्रीत कौर और माइकल सिंह पास्टर एजी चर्च आसनसोल, ये अपनी स्पीच रखेंगे। इसमें डीएम, एडीएम, सीपी साहब, मेयर साहब, ये सब ने भी आने की अपनी परवानगी दी है और हम आसनसोल और इलाके के समूह धार्मिक लोगों को, समूह धर्म के लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को ये अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भारत की अखंडता में अपना योगदान दें, ताकि एकता का जो प्रतीक है गुरु नानक साहब जी, जिन्होंने एकता के लिए अपना संदेश दिया और अपना परिवार भी 10वें जामे में बलिदान किया, हम लोग उनके उपदेश के साथ जुड़ के उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और 550 साल गुरु नानक साहब जी का जो पर्व है वो बड़े उत्साह के साथ मनाएँ और उनकी खुशियाँ प्राप्त करें।